मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में नीट री एग्जाम और नीट कैंसिल जैसी मांगे की गई हैं। नीट केस की 38 याचिकाओं पर सुनवाई आज सीजे चंद्रचूड़ की बेंच सुनेगी। 20,000 स्टूडेंट्स की शिकायतें, री नीट पर फैसला संभव। नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ियों की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने लगाई है। दरअसल केंद्र सरकार और नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि पूरी नीट परीक्षा रद्द करना ठीक नहीं होगा। सरकार और NTA ने कहा कि नीट UG परीक्षा में गड़बड़ियां कुछ जगहों पर हुई हैं, लेकिन इसके लिए पूरी परीक्षा रद्द करना सभी स्टूडेंट्स के हित में नहीं होगा। इससे लाखों ईमानदार विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग सकता है। मतलब केंद्र ने पूरी नीट परीक्षा रद्द न करने की मंशा जाहिर की है। पिछले महीने भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG परीक्षा को लेकर सुनवाई की थी। उस समय कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने या किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के कहने पर 6 जुलाई से नीट UG की काउंसलिंग शुरू करने की भी इजाज़त बरकरार रखी थी। हालांकि हाल ही में नीट UG की काउंसलिंग टाल दी गई। वहीं पिछली सुनवाई में NTA ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था वह नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। दरअसल 1563 छात्रों को पेपर काफ़ी देर से मिलने की बात कहते हुए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स दिए जाने में धांधली का मामला उठने लगा। मामले को लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद हाल ही में 1563 कैंडिडेट के लिए नीट री एग्ज़ाम आयोजित किया गया, जिसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। नीट री एग्ज़ाम को 23 जून को आयोजित किया गया था। बता दें कि नीट UG परीक्षा को लेकर CBI जैसी जाँच एजेंसियाँ जाँच में जुड़ी हैं। मामले में बिहार, झारखंड, गुजरात समेत कई जगहों से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बता दें कि नीट UG परीक्षा मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा है, लेकिन इस बार परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने आई है, जैसे पेपर लीक किए जाने, लाखों की रकम लेकर कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को खाली शीट भरने जैसी बातें सामने आई हैं, जिसे लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष भी सरकार को निशाने पर ले रहा है। हाल ही में संसद सत्र के दौरान संसद में विपक्ष द्वारा नीट का मुद्दा उठाया गया था। सदन में यह मुद्दा जोर शोर से गूंजता रहा। राहुल गांधी नीट मुद्दे को लेकर सरकार पर सीधा हमला करते रहे हैं।